हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपका रेशम का धागा किस तरह से निकाला जाता है और आपका रेशम का धागा को ग्लेज बढ़ाने के लिए कौन सा आपका केमिकल यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जब आपका रेशम के कोकून को ये गर्म पानी में देते हैं तो उससे पहले आपका ये जो थोड़ा पुराना पानी और थोड़ा नया पानी, ये दोनों मिला के आपका पहले गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद जब पूरे तरीके से गर्म हो जाता है तो उसके बाद आपका उसमें थोड़ा कलर मिलाया जाता है, बिल्कुल लाइट कलर है ये वाइट कोकून में आपका मिलाया जाता है, जिससे कि आपका रेशम का जो धागा होता है उसमें आपका हद से ज़्यादा आपका ग्लेज आता है। और फिर उसमें कोकून को डाल के उसको अच्छा से आपका डुबाया जाता है ताकि उसका रेशा आपका सब अलग हो जाए, यानी जो एक्स्ट्रा आपका जो रेशम का धागा होता है वो आपका हाथ में पकड़ के आपका अलग कर लेते हैं। उसके बाद उसको निकाला जाता है धागा को, और ये जो है जो धागा निकाला हुआ है उसको फिर रिप्रेस किया जाता है। ये बड़ा है आपका, इसमें जो छोटा वाला है उसको लाटा बोलते हैं और जो बड़ा वाला है उसको टोबिल बोलते हैं। टोबिल में आपका मैंने उसको धागा को निकाला जाता है, और धागा कुछ इस किस्म का होता है, इसमें हद से ज़्यादा आपका ग्लेज होता है, और यहाँ से आपका धागा को निकाला जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए ताकि आपका और भी दूसरों तक ये वीडियो पहुँच सके, और हो सके तो आपको शेयर भी करना चाहिए क्योंकि शेयर करने से आपका और भी दूसरे लोग आपका देख सकते हैं। तो दोस्तों, धागा निकालने के लिए कुछ किस्म का आपका प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद फिर इसको वह रोलिंग मशीन में आपका डाल के रोल किया जाता है, यानी इसको रीलिंग किया जाता है। उसके बाद फिर उसको तोहबिल में आपका दिया जाता है, तोहबिल में आपका जो बड़ा वाला आपका रील है उसमें दिया जाता है। उसमें देने के बाद वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद फिर उसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद ये सबके लिए आपका पानी का भी बहुत ज़रूरत है, तो ये आपका है टैप से आपका निकाल के आपका ये बड़ा सा एक हाउस है, इसमें आपका डाल दिया जाता है। इसमें आपका थोड़ा बहुत मछली भी छोड़ के रखते हैं जो कि घर के खाने के लिए बहुत अच्छा से आपका काम में आता है। छोटा छोटा मछली छोड़ दिया, उसमें आपका आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद लोग खा लेते हैं। और ये जो आपका कोकून से आपका जो एक ट्यूब आपका निकलता है उसको खाने के लिए मछली को दे दिया जाता है, उसको खाने से आपका मछली बहुत जल्द बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए आपका यहाँ पर आपका कोकून को पूरा आपका गर्म करके उसका जो मेन आपका रेशा है उसको अलग कर दिया जाता है, यानी आपका हाथ में एक एक रेशा आपका आ जाता है। उसके बाद आपका एक चीज से देखिए थोड़ा सा आपका कोकून को बार बार घुमाया जाता है, घुमाने से आपका क्या होता है कि उसका जो धागा का जो आपका मेन मेन रेशा है वो तब आपका निकल जाता है, और जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे कि इसको आपका एक छोटा सा पुली होता है, यानी छोटा सा एक धागा को डाल के ऊपर नीचे करके आपका, यानी पूरा तरह से आपका रिफ्रेश हो इसलिए आपका इसको ऊपर नीचे करके, यानी इस तरह से आपका किया जाता है कि पूरा कचरा आपका निकल जाए और बिल्कुल साफ धागा आपका लपट जाए। इस तरह से ही आपको धागा को निकाला जाता है। अब उसको पूरा ही प्रोसेसिंग आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका उस कुली में आपका डुबाया जाता है। कुली के बाद फिर एक दूसरा कुली में दिया जाता है, उसके बाद एक चूड़ी में दिया जाता है, चूड़ी में देने के बाद फिर एक और रील होता है उसमें आपका लपट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इसको ही किया जाता है, और ये जब के गर्म पानी होता है तो गर्म पानी की वजह से इसमें आपका थोड़ा बहुत हल्का हल्का ठंडा करना पड़ता है पानी को, और ठंडा करने के लिए आपका एक्स्ट्रा पानी जो है आपका पीछे रखा रहता है, यानी छोटा छोटा हाउस बना के रखा रहता है, वहाँ से पानी लेके आपका इसमें डाला जाता है, और फिर अलग से एक पानी का कपड़ा उसको रख दिया जाता है ताकि अगर गर्म पानी में जो हाथ देते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए उसको ठंडा करने के लिए उस पानी को यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कोकून से आपका सिंगल सिंगल धागा को निकाल के इस पुली में आपका डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पर आपका चार
चैम्बर है यानी चार पुली है, चारों में आपका कोर्ट डाल दिया जाता है। डालने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा कुकुन उसको यानी आपका 8 पीस या 10 पीस यानी इसमें धागा के मोटाई के हिसाब से आपका इसमें डाला जाता है। किसी किसी में आपका 4 पीस 5 पीस, किसी में आपका 8 पीस 10 पीस, किसी में आपका 15 पीस, किसी में आपका 20 पीस 25 पीस, इस तरह से यानी आपका धागा का क्वालिटी आपका मोटा पतला इस तरह से होता है। इसी तरीके से आपका धागा को लपेटा जाता है। अब यहाँ से आपका थोड़ा थोड़ा करके कुकुंस को अलग कर दिया जाता है। कुकुंस को अलग करके आपका वो धागा में बांध दिया जाता है। किस तरह से आपका बांधा जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन यह काम करने के लिए आपको लगभग 1.5 महीने 2 महीना आपका ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं, वैसे सिंगल से आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए आपका ऊपर का कुली में भी डाल दिया, यहाँ पर 2 कुली होता है वहाँ पर डालने के बाद फिर आपका चूड़ी में आपका डाल दिया जाता है। एक चूड़ी वहाँ से बिल्कुल फ्रेश होकर आपका निकल जाता है। उसके बाद आपका जो पीछे एक और आपका छोटा छोटा आपका पार्ट होता है उसमें आपका लगा दिया जाता है धागा को, ताकि वहाँ पर भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो वहाँ से भी आपका निकल जाए। और उसके बाद जो आपका थोड़ा थोड़ा लाटा होता है रीलिंग करने के लिए आपका लाटा होता है उसमें लपेट दिया जाता है। और उसके बाद आपका जो मशीन को वान कर दिया जाता है यानी वो घूमना शुरू कर देते हैं और घूमते घूमते वो पूरा धागा को आपका लपेट देते हैं। और यहाँ पर जो आपका कुकुंस है, कुकुंस में आपका जब भी आपका धागा कम यानी कुकुंस छोड़ देते हैं तब उसके बाद आपका 2-3 4 करके आपका उसमें कुकुंस को लगा के रखते हैं ताकि आपका यहाँ पर ख़त्म ना हो। यानी छोटा मीडियम इस तरह से आपका उसको चेक किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए।